हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं अर्बन फाइनेंसिंग के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्बन फाइनेंसिंग की ज़रूरत क्या है, क्यों वो ज़रूरी है। तो किसी भी डेवलपमेंट कंट्री के लिए उसका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस बनाने के लिए या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या आपको फंड्स की ज़रूरत लगेगी। तो उसे सस्टेनेबल बनाने के लिए और डेवलप बनाने के लिए आप इसको क्या कहते हैं, इसकी ज़रूरत लगती है। तो इंडिया के अंदर भी अलग अलग समय पे अलग अलग मिशन चलाए गए, अलग अलग स्कीम्स आई, जो जैसे आपको जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन जो कि 2005 के लगभग स्टार्ट हुआ, जिसमें अलग अलग फंडिंग्स की ज़रूरत लगी। अगर हम अभी ऑनगोइंग या चल रहे प्रीवियसली जस्ट चल रहे प्रोजेक्ट की बात करें या मिशंस की बात करें, तो अमृत मिशन आपको देखने को मिलता है जो कि अटल मिशन ऑफ रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। स्मार्ट सिटी, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंट योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, स्वच्छ भारत मिशन, इस तरीके के कई सारे मिशन हैं। तो अगर हम बात करें इसमें अमृत के लिए, तो अमृत क्या था, अमृत जो मिशन था उसमें वाटर सप्लाई, सीवेज फैसिलिटी, स्टेपेज मैनेजमेंट, स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज, ड्रेन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऐसे कई सारी चीज़ें जैसे वॉकिंग एंड साइकिलिंग एंड पार्क, इसके लिए ये अबाउट 500 सिटीज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, लाया गया। तो इन सारी चीज़ों के लिए वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी हैं या लोकल एजेंसी हैं, उनको फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ बॉन्ड यानी कि म्युनिसिपल बॉन्ड इन इंडिया या फिर PPP पब्लिक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके की फाइनेंसिंग स्कीम है, एक बॉन्ड है, दूसरा PPP है। तो अगर हम म्युनिसिपल बॉन्ड की बात करें, तो म्युनिसिपल बॉन्ड भी अलग अलग तरीके के देखे जा सकते हैं, जैसे टैक्सेबल बॉन्ड होता है, फिर टैक्स फ्री बॉन्ड होता है, पूल बॉन्ड, पूल फाइनेंस होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ये बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसको लेके आया और इंडियन कैपिटल मार्केट में से लेके आया अर्बन लोकल बॉडीज के लिए इन 1996, और लगभग 100 करोड़ रुपए का इसने गवर्नमेंट गारंटी दी 1998 में। इज अ फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड जो कि अहमदाबाद म्युनिसिपल बॉन्ड या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दिए। जनरली एनुअल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 14% का था, 7 ईयर का इसका टेन्यूअर था। इसका जो प्लेसमेंट था वो प्राइवेट प्लेसमेंट था, मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो प्लेसमेंट था वो कैसा था, प्राइवेट था, लगभग 75%। इसके बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही सबसे पहले टैक्स फ्री बॉन्ड लेके आई। टैक्स फ्री बॉन्ड जो था वो इसको बूस्ट करने के लिए लाया गया। तो टैक्स फ्री बॉन्ड की मदद से क्या हुआ कि वहां पे बूस्ट अप हुआ, इसे भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेके आया, और ये जनरली 1.5-2% जो था वो ज्यादा इम्पैक्टफुल था। हालांकि इसे बाद में हैदराबाद और नासिक में भी एडॉप्ट किया गया। कई जगह जो होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की फाइनेंसिंग पोजीशन उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं, पूल्ड फाइनेंसिंग भी कर लेते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटका इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि तमिलनाडु और कर्नाटका ने एक स्ट्रक्चर बॉन्ड करा था जो कि पूल फाइनेंस स्कीम थी, जिसे हम पूल फाइनेंस डेवलपमेंट फंड PFDF के नाम से भी जानते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका बॉन्ड वाला कि बॉन्ड से किस तरीके से फाइनेंस होगा, और दूसरा है आपका PPP प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो इसके तहत भी कई सारे प्रोजेक्ट किए गए चेन्नई में, नवी मुंबई में, त्रिपुरा में, कर्नाटका में, सॉल्ट लेक कोलकाता, ये वाटर BOT था, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो इस तरीके के जब प्रोजेक्ट किए गए, तो
इसमें क्या होता है कि बिल्ट जनरली कई सारे जो रोड आप देखते हैं उसमें भी बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर लगा होता है कि आप पहले रोड को बना लीजिए, फिर आप उस पर कोई टोल लगा लेते हैं हर एक प्रत्येक गाड़ी से कुछ वर्षों के लिए। आप उसमें जो गाड़ी वहां पे पास होगी उससे आप कुछ अमाउंट लेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि 1 साल के टेन्योर में या 3 साल के टेन्योर में कुछ परसेंट इंक्रीज भी हो जाता है। तो वो टोल्स की मदद से आप उसको वहां जो फंड लगा है उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो ये BOT मॉडल हो गया। इसके ये किस चीज के अंदर आ गया, PPP के अंदर आ गया, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर आ गया। तो जनरली अर्बन फाइनेंसिंग में बॉन्ड और PPP मॉडल के अंतर्गत ये आ जाता है। सो थैंक यू सो मच।